इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। बिजनौर में इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का एसपी नीरज जादौन द्वार उद्घाटन किया गया, जिसमें एसपी ने घटनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए इसके प्रमुखता को बताया गया। देखिए बिजनौर एसपी नीरज जादौन ने क्या कहा। इंडियन टीवी न्यूज से मयंक यादव की रिपोर्ट। सर, ये आज इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का आपके द्वारा शुभारंभ किया गया है, क्या विशेषताओं के साथ ही इसको शुरू किया गया है और क्या उद्देश्य है इस कंट्रोल रूम को स्थापित करने का? बिजनौर पुलिस को और पीपल फ्रेंडली और रिस्पॉन्सिबल बनाने हेतु इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का स्थापना की गई है, आज से शुभारंभ उसका हुआ है। बेसिकली इसमें क्योंकि बिजनौर जनपद काफ़ी क्षेत्रफल बड़ा है, तो यहाँ पे चार्ली और डेल्टा दो कंट्रोल हुआ करते थे, उनको इंटीग्रेट किया गया, एक ही कमरे में उनको बिठाया गया। साथ ही साथ इसका इंटीग्रेशन यूपी 112 ROIP से किया गया, तो अगर कोई भी सूचना यूपी 112 पे कोई भी इवेंट आता है जिसमें तत्काल सहायता की आवश्यकता होती है, तो उसमें क्योंकि एक ही कमरे में सभी स्थापित हैं डेल्टा और चार्ली, तुरंत उसमें पुलिस की सहायता मिल जाएगी। नंबर एक। नंबर दो, हमने इसमें सभी जो जनपद की पुलिस की गाड़ियाँ, पुलिस व्हीकल, उन सभी गाड़ियों पर हम लोगों ने डैशबोर्ड कैमरे लगाए, साथ ही साथ उन सभी गाड़ियों पर GPS भी लगाया गया, उसकी मॉनिटरिंग पीछे मेरे पीछे लगे LEDs के द्वारा इस कंट्रोल रूम के कर्मचारी द्वारा की जा रही है। साथ ही साथ उसमें जो डैशबोर्ड कैमरे लगे हैं उनकी भी फीड हम लाइव फीड इस पर ले सकते हैं, हमें पता लगा सकते हैं कि हमारी गाड़ी कहाँ जा रही है, और उस गाड़ी पर अगर कोई भी विरोध होता है गाड़ी का, कभी लॉ एंड ऑर्डर में कभी गाड़ी पर हमला भी हो जाता है पुलिसकर्मियों को, तो उसका एक एविडेंशियल वैल्यू इस CCTV फुटेज के थ्रू हमारे पास रहेगी, डैशबोर्ड कैमरे के थ्रू। साथ ही साथ जो बिजनौर कस्बे में और बिजनौर जनपद में जो IP कैमरे लगे हैं उनकी फीड भी हम इस कंट्रोल रूम में ले रहे हैं, एक LED स्क्रीन उसके लिए डेडिकेटेड है, आगे भी हम स्क्रीन यहाँ पे बढ़ाएंगे, और कैमरे का जो पेनेट्रेशन लेवल है यहाँ पे बिजनौर कस्बे में, साथ ही साथ जो हमारे अन्य कस्बे हैं, नजीबाबाद हो गया, धामपुर हो गया, चांदपुर हो गया, नगीना, नैटौर हो गया, उनमें भी हम इसका पेनेट्रेशन बढ़ाएंगे, और अगला स्टेज हमारा ये रहेगा कि उन शहरों के जो मुख्य थाने हैं वहाँ पर मिनी कंट्रोल रूम की स्थापना की जाए। इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारे कर्मचारी बैठते हैं, चाहे यूपी 112 का स्टाफ बैठता हो, चाहे कंट्रोल रूम का स्टाफ बैठता हो, उनके लिए प्रॉपर बढ़िया तरीके से वर्क प्लेस हो उनका, जिससे अच्छे तरीके से स्वस्थ रूप से बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से यहाँ कार्य कर सकें, उनके वर्क प्लेस को भी इम्प्रूव किया जाए। सर, पुलिसिंग, बिजनौर पुलिसिंग को और सुदृढ़ बनाने के लिए और अच्छा करने के लिए क्या इसके अलावा और कोई प्रयास किए जा रहे हैं? एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है स्पेशली रात में कि पुलिस का टाइमली रिस्पॉन्स, अगर कोई महिला रात में पुलिस को फ़ोन कर रही है तो तत्काल अगर उसको सहायता मिल जाती है तो एक बड़ी घटना होने से बच जाती है। तो सबसे पहला प्रयास बिजनौर पुलिस का ये है कि हमारा रिस्पॉन्स हो बिल्कुल सही टाइम से पहुँच जाए और इफेक्टिव रिस्पॉन्स हो। उसके बाद जो हमारी प्राथमिकता हमेशा रही है, मेरी तो हमेशा ही रही है, कि हम जन सुनवाई में प्रॉपर तरीके से उसका निस्तारण कर सकें। इसके लिए आते ही यहाँ पे टोकन सिस्टम पुलिस ऑफिस में शुरू किया गया, साथ ही साथ वहाँ पे फीडबैक सेल भी बनाया जा रहा है जो अगले 3 या 4 दिन में रेडी हो जाएगा, उसमें डेडिकेटेड अगेन प्रोफेशनल जो हमारे MNCs में जिस तरह का हम लोग वर्क प्लेस देखते हैं उसी तरह का हम लोग करेंगे। प्रॉपर वहाँ पे PSTN नंबर दिखाया जाएगा, प्रॉपर ट्रेंड हमारे प्रोफेशनल्स होंगे जो पब्लिक से फीडबैक लेंगे, उनकी जो शिकायतें पुलिस ऑफिस को प्राप्त होती है फिर थानों को प्राप्त होती है, अक्सर वो लोग आते रहते हैं, बार बार रिपीट आते रहते हैं कि उनकी शिकायतों का निस्तारण नहीं हुआ या फिर जो निस्तारण हुआ है वो अच्छे तरीके से निस्तारण नहीं हुआ, तो उसके लिए फीडबैक सेल का गठन किया गया है, 3 दिन में वो भी चालू हो जाएगा नए एक नए वर्क प्लेस पर। सर, एक छोटी सी कंप्लेंट भी है कि थानों पर जो फरियादी आते हैं कई बार उनको उनके एप्लीकेशन देख कर ही एक डिसीजन वहाँ के जो भी उनको एप्लीकेशन को लेते कर दिया जाता है कि तुमने गलत दिया या उन्हीं को उल्टा हड़काया जाता है फरियादी को, तो उनके लिए क्या कोई करना चाहिए? इसमें दो बातें हैं। कई बार क्या होता है कि फरियादी जो एप्लीकेशन लेकर आता है उसमें सही बातें लिखी होती हैं, कई बार ऐसा होता है कि झगड़ा किसी और छोटी चीज़ को लेकर हो जाता है, मेड को लेकर झगड़ा हो जाता है, पैसों का लेन देन होता है, उसमें कुछ ऐसी धाराएँ बढ़ा दी जाती हैं जो फरियादी को भी पता होता है। फरियादी कई बार ऐसा कहता है कि सर मैंने तो एप्लीकेशन लिखवाई थी, बस मैंने हस्ताक्षर कर दिए, उसको खुद नहीं मालूम होता है कि एप्लीकेशन में क्या लिखा है, तो कई बार इस तरह की स्थिति हो जाती है। लेकिन मैंने सभी थाना प्रभारियों को बताया कि एप्लीकेशन आप लें, कहीं भी कोई दबाव ना डालें तहरीर चेंज कराने का, लेकिन एक बार तहरीर जरूर वेरीफाई जरूर कर लें कि उसने लिखा है वाकई वो घटना हुई है कि नहीं, लेकिन उसमें ज़्यादा समय ना लें, 1-2 घंटे के अंदर वो वेरीफाई कर लें, उसके बाद वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करें। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।